ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, तो एक दंपति जो कि ब्रिटिश फोर्स में था वो आके यहाँ बस गए। उनका एक बच्चा, वो बच्चा 5 साल की उम्र तक यहाँ रहा, उसकी इंडियन आया थी, वो उसको सुलाते समय पंचतंत्र की कहानी सुनाते, फिर 5 साल की उम्र में उसके माता पिता वापस ब्रिटेन चले गए, तो ये भी चला गया। वहाँ पे माता पिता का देहांत हो, वो फिर फॉस्टर होम्स में रहा, फॉस्टर होम्स में कहीं सेट नहीं हो पाया, फिर बड़ा हुआ, फिर कुछ कुछ नौकरी किया, फिर सेट नहीं हो पाया, फिर फाइनली वो वापस इंडिया आया। वो जब इंडिया आया उस समय MP में और UP में बड़े घने जंगल, तो वो गया एक चर्च मिशनरी में, तो उसको पता चला कि मिशनरी के लोग एक ऐसा बच्चा पकड़ के लाए हैं जिसको पिछले कुछ साल से भेड़िए पाल रहे थे, खाए नहीं थे पाल रहे थे। वो 8-10 साल का बच्चा था जो 4 पैर में चलता था, उसको बात करना नहीं आता था, वो मांस खाता था कच्चा, वो गुर्राता था, उसका हाथ वाथ परमानेंटली मुड़ा हुआ था जैसे भेड़ियों का होता है, वो भेड़ियों के बीच में जिंदा पल रहा।